हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आयुषी लव स्टोरी में, जिसमें आप सुन रहे हैं जुनून स्टोरी। तो जुनून स्टोरी का अगला भाग सुनते हैं। लास्ट भाग में आप लोगों ने यह सुना था कि युविका अपने दिल की बात रूही को बता रही होती है और रूही को बहुत अच्छा लग रहा होता है यह सुन के। तो युविका रूही से कहती है कि यार, तुमने जो मुझे चेंज किया है ना, बस उसका थैंक यू बोलना चाहती थी। बस ये वो तरीका था तुम्हें थैंक यू बोलने का, जो मुझे सिया ने बताया कि तुमको वहाँ जाना है और तुम्हारा बहुत मन है और नाइट आउट करने का, तो मुझे लगा कि भाई थैंक यू बोल सकते हैं और ये सबसे बेस्ट तरीका है तुम्हें थैंक यू बोलने का। और अपनी बातचीत को उस दुश्मनी से जब तुमने ख़त्म करने का सोचा है, तो मैं ही क्यों ठान के बैठूं कि नहीं, मुझे नहीं ख़त्म करना है, मुझे तो मना करना है, मुझे भाव खाने हैं। ये तो गलत था ना, सिर्फ इसलिए, नथिंग एल्स। तो रूही कहते हैं ओके, चलो अच्छी बात है कि तुमने मुझसे इस तरह बात तो की, अपने दिल की बात तो कही। तो युविका कहती है कि कहनी थी ना, नहीं कहती तो अभी तुम जाती नहीं। भाव जो तुम्हारे इतने चढ़े हुए रहते हैं, पता नहीं जो भी लाइफ में तुम्हारा पार्टनर बनेगा वो तुम्हें कैसे झेलेगा। मैं तो उसी का सोच सोच के कंटाल आ रहा है मेरे को। कह रही क्या आ रहा है, कह रही कंटाल। कहती ये तो बम्बई की लैंग्वेज है ना, तुमने कहाँ सीखी? कहती है कि अरे वो मेरा भाई बम्बई में ही जॉब करता है ना, तो आगे घर पे ऐसे बोलता रहता है, तो उसी से मैं सीख गई। कहती है नॉट बैड, अच्छा लगा तुम्हारे मुँह से। कहती है अच्छा सच में? कहती है हाँ। खैर फिर ऐसे ये लोग बातें करते करते वहाँ से सीधे कैंप पहुँच जाते हैं। जैसे ये लोग कैंप पहुँचते हैं, सब लोग इनको देखते हैं कि युविका रूही को लेके आई है, जो सबसे बड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं। तो थोड़ा शॉक्ड होते हैं एक दूसरे को देख के, और मतलब सब इन दोनों को एक साथ देख के सब लोग। तभी जो है साइमा जब देखती है, तो उसके तो आग लग जाती है तन बदन में, और वो सोचती है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं इन्हें एक नहीं होने दूँगी। ये बात तो पक्की है, किसी कंडीशन में मैं इनको एक नहीं होने दूँगी, चाहे जो हो जाए, चाहे जो। तो तभी मैम उनके कहते हैं अरे युविका तुम रूही के साथ, क्या हुआ? तो कहते हैं कि अरे मैम इसकी भी बस छूट गई थी और मैं आ रही थी, मैंने तो आपसे कहा ही था कि मैं आऊँगी। तो कहते हैं कि अच्छा तो ये तुम्हें कहाँ मिल गई, तुम्हारा घर अलग इसका घर अलग? कहती है ये बस स्टैंड पे खड़ी थी, बस के लिए वेट कर रही थी और मैं उधर से निकल रही थी, रास्ता तो एक ही नाम है यहाँ आने का, मुझे दिख गई तो मैं ले आई साथ में। कहते हैं ओह ओके, ये सही किया वैसे तुमने। कहते हैं मैम मैं तो सब सही करती हूँ। कहते हैं बाय द वे तुम दोनों तो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। कहती है मैम हमने कोई दुश्मनी की कस्में थोड़ी खा रखी हैं कि हमने बहुत बड़ी कस्में खा रखी हैं और हम जिंदगी भर एक दूसरे के दुश्मनी बने रहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है एक कॉलेज में पढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े सबके बीच चलते रहते हैं, तो इतना कौन सोचता है मैम? कहती हैं हाँ ये बात भी सही है तुम्हारी। कहती हैं
फिर वही बोलूँगी मैम, मैं तो हमेशा सही कहती हूँ। अब किसी को पसंद ना आए वो बात अलग है। तो मैम हंसते हैं, कहते हैं सही बात है ये तो, चलो आज ही रात की फुर्सत है यहाँ पे, कल से तो वैसे भी। तो कहती है क्या मैम, कहते हैं कि कल से तो वैसे भी फिर कॉलेज अटेंड करना है, सिर्फ आज रात जो भी इंजॉय करना है कर लो, शाम तो हो ही गई है। तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा छटने लगा था, सब पहले इधर उधर घूम के वहाँ के मतलब सारे जो भी वहाँ की जगह होती है उनका ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कि कैसे है, साइट सीन करते हैं। तो इस बीच युविका और रूही अलग अलग रहते हैं, उनकी बात सिर्फ गाड़ी तक रहती है। तो युविका जो रूही जो होती है वो बार बार युविका की तरफ देख रही होती है और मन में कह रही होती है कि वाह गाड़ी में तो ये इतने अच्छे से बात करती आई है, जैसे मैं ही हूँ सब कुछ इसके लिए, और अब देखो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पहचानती ही नहीं है, क्या लड़की है यार ये, कब कहेगी ये अपने मुंह से सब कुछ, कब। यार मैं ना ऐसा ना हो इन इसकी लैंग्वेज की कि मैं कंटाल जाऊँ और मैं ही खुद आके आगे से बोल दूँ, या फिर मैं ना अपना रास्ता ही बदल दूँ। कैसी अजीब सी लड़की है, अजीब ही है बिल्कुल। अरे कुछ बोलना होता है, कुछ कहना होता है, कोई मतलब ही नहीं है इसको। ऐसे होता है क्या कहीं, यार अजीब ही लड़की है। तो रूही बार बार युविका को देखती है, तभी ऋचा युविका के साथ होती है और ऋचा की नज़र रूही पे पड़ जाती है। तो ऋचा युवी से कहती है कि अरे वो तुझे इतनी देर से इतने ध्यान से देख रही है, तू जाके उससे बात क्यों नहीं करती। तो वो कहती है किससे, मैं किससे बात करूं। कहती है एक तो तेरी नौटंकी नहीं ख़त्म होती। कहती कैसी नौटंकी, मैंने कौन सी नौटंकी की। कहती है हाँ सच में, मैं रूही की बात कर रही हूँ और किसकी बात करूँगी। कहती है यार मैं उसके पास क्यों जाऊँ, तुम भी ना मुझे ना परेशान करना बंद करो। तो कहती है कि देख ये नौटंकी करना बंद कर दे, क्योंकि यहाँ हम सबको पता है कि तू रूही को पसंद करती है। कहती है सबको पता है मतलब, कहती है आई मीन मतलब मुझे पता है। कहती है तो तेरी गिनती सब में होती है। कि हाँ मेरी गिनती सब में होती है। कहती है अजीब ही लड़की है तू भी। कहती मैं अजीब हूँ या तू अजीब है, दिल में जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट कर ले, तू भी उसको पसंद करने लगी है मान ले, अगर तू पसंद नहीं करती हैं तो तू सच बता मुझे सच, उसे लेने क्यों गई, बिना उसके क्यों नहीं आई, बिना उसके भी तो आ सकती थी ना। क्या चला जाता अगर बिना उसके आ जाती तो, कुछ चला जाता क्या। कहते ऐसा नहीं है, कहती है भी तुझे भी पता है कैसा है। कहती है प्यार तो बकवास बंद कर। कहती है फिर वही बात, मैं बकवास बंद करूं। कहती है हाँ तू बकवास बंद कर। कहती है ठीक है भाई मैं ही बकवास बंद कर देती हूँ, बट एक बात बोलूँ। कहती है हाँ। कहती है देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। कहती क्या है। कहती सच बोल रही हूँ, जब तक तू इन चीज़ों को समझ पाए तब तक कहीं देर ना हो जाए, इसलिए कह रही हूँ जो है वो बोल डाल और उसे अपना बना ले, नहीं तो खूबसूरत बहुत है बहुत ज़्यादा, और कोई भी आके उसे अपना बना लेगा मिनटों में, कोई भी बना लेगा उसे अपना, बहुत खूबसूरत लड़की है, कोई भी इसे गंवाना नहीं चाहेगा। कहती है शट अप, कुछ भी बोलती है, पागल है क्या। कहती है इतना बुरा लग रहा है। कहती है इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है।
कुछ बुरा नहीं लग रहा, जस्ट ये कह रही हूँ कि कोई भी आगे उसे अपना बना लिया, उसके दिल में भी तो किसी के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए, या कोई भी आएगा और उसे अपना बना लेगा। तो कहती है हाँ बात तो तेरी ये भी ठीक है कि उसके दिल में भी तो फीलिंग्स होनी चाहिए ना, ऐसे कैसे कोई किसी को भी अपना बना लेगा, राइट, आई एग्री विद यू। कहती है मैं सही कहती हूँ। कहती है आज तुझे हो क्या गया है, हर बात पे यही बोले जा रही है, यही बोले जा रही है। कहती है क्योंकि मैं सही बोल रही हूँ। कहती है अच्छा तू सही बोल रही है। कहती है हाँ ठीक है भाई, लेकिन जो कहा है उस पर ध्यान दे। कहती है हाँ हाँ कुछ नहीं होगा, कोई नहीं बना रहा उसे इतनी जल्दी अपना। कहती अच्छा मतलब तय हो चुका है कि कब कहाँ कैसे प्रपोज करना है। कहती ऐसा कुछ नहीं है। कहती अच्छा तू मुझसे झूठ बोलती है या खुद से। कहती है कि अरे यार तू चुप हो, तूने ना दुखी कर दिया जब से आई है मेरे को। कहती है दुखी नहीं किया है मैंने तुझे, ये तुझे भी पता है, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा तू ये बेवजह की नौटंकियाँ काट क्यों रही है। कहती नहीं समझ में आ रहा तो क्यों समझने की कोशिश कर रही है, मत करना। कहती अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन एक बात याद रखना, सच में ऐसा ना हो कि कोई उड़ा के ले जाए, भगा के ले जाए। हाँ तो यूविका कहती बस बहुत हो गया यार, अच्छा चुप हो जा, वैसे मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए। कहती ठीक है भाई मत मान, खैर ये लोग ऐसे घूमते रहते हैं और मैडम अपना अलग रहते हैं क्योंकि उन्हें प्रिंसिपल ने बोल रखा होता है। तो बच्चे बोलते हैं कि आ जाओ बॉनफायर खेलेंगे बॉनफायर, और रूही जो है घूमते घूमते थोड़ा आगे निकल जाती है तो उसे ध्यान नहीं रहता। तो कहती है कि वो उसे ध्यान नहीं रहता, वो आगे निकल जाती है। युविका के मतलब युविका ही सबको पता होता है, युविका ने ये अरेंज किया है तो सब युविका को ज़्यादा वो कर रहे होते हैं। तो सब कहते हैं कि युविका चलो ना बॉनफायर खेलते हैं, वैसे भी देखो रात हो रही है, खाना पीना मैम अरेंज कर लेंगे उन्होंने बोल दिया है, और चलो ना बॉनफायर खेलते हैं। तभी ऋचा भी बोलती है, सॉरी सिया और ऋचा भी बोलते हैं कि आना चलो बॉनफायर खेलते हैं, मज़ा आएगा, सच में मज़ा आएगा। तो वो कहती है कि नहीं मुझे कोई बॉनफायर ऑनफायर नहीं खेलना। तो कहती है प्लीज़ यार अब ये नौटंकी ना करो, अब जब आई हो तो खेल लो। कहती है कि जिद है। कहती हाँ जिद ही समझ लो। कहती है यार मेरा मन नहीं कर रहा। तो कहती है कि क्यों। कहती है बस ऐसे ही मेरा घूमने का मन कर रहा है, इतनी दूर से यहाँ घूमने के लिए आए हैं कि बैठ के बॉनफायर खेलने आए हैं। कहती खेल लेना यार प्लीज़ यार। कहती अच्छा ठीक है चलो, वैसे बोल देती है। फिर ये लोग बॉनफायर खेलने के लिए चल पड़ते हैं और वहाँ पे सब बैठ जाते हैं जितना भी ग्रुप गया होता है, उसमें से कुछ बच्चे इधर उधर घूमने निकल जाते हैं और बाकी सब वहीं बैठ जाते हैं। तो वो बॉनफायर बैठते हैं सब इर्द गिर्द और कहते हैं अब बताओ क्या खेल दें। तो कहते हैं कि अंताक्षरी खेलते हैं। तो वो कहते हैं अब है यार अंताक्षरी। कहते हैं हाँ। कहते ये कौन खेलेगा ये। तो कहती अच्छा चलो ट्रूथ एंड डेयर खेल लेते हैं। तो युविका कहती है मुझे नहीं खेलना ट्रूथ एंड डेयर। जब ऋचा ऐसे बोलती है तो वो समझ जाती है कि इसका कोई पंगा ये कर देगी, इसलिए वो सीधे मना कर देती है। कहती है नहीं मुझे नहीं खेलना ट्रूथ एंड डेयर, तुम ही खेलो अपना ट्रूथ एंड डेयर। तो कहती है अच्छा ठीक है मुझे पता है तुम्हें ट्रूथ एंड डेयर में दिक्कत होगी ना लेने में, एक काम करेंगे ना ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। कहती नहीं मुझे ट्रूथ एंड डेयर खेलना ही नहीं है, ख़त्म बात। कहती है अच्छा चलो म्यूज़िकल वो खेल लेते हैं, कोई एक चीज़ ले लो ये बॉटल ले लो इसे पास करते रहना, म्यूज़िक चला देंगे, जिसके पास भी म्यूज़िक रुकेगा उसको गाना गाना पड़ेगा या नाचना पड़ेगा, ये ठीक है। तो युविका कहती है कि चलो ये ठीक है।
तो कहती है कि ठीक है भाई। तो अब युविका सबकी तरफ देखते हैं तो उसको वहाँ रूही नज़र नहीं आती, तो थोड़ा सा देखती है दूर जाके, तो सब कहने लगते हैं कि कहाँ जा रही हो। कहती है अभी आ रही हूँ। तो उठ के जाती है, इधर उधर रूही को ढूंढती है, तो देखती है कि रूही किसी से खड़ी होकर एक लड़की से बात कर रही होती है थोड़ी दूर पे ही। तो वो वापस चली आती है, वो उसे कुछ नहीं कहती, एक वर्ड नहीं बोलती है, वहाँ से वापस चली आती है। तो आके बैठती है ऋचा के पास ही बैठती है, तो ऋचा से कहती है कि ऋचा कहती है कि क्या हुआ, बुला के नहीं लाई। कहती है किसे? कहती है रूही को, उसी को देखने गई थी ना। कहती है कुछ भी, उसे देखने नहीं गई थी मैं। तो हंसने लगती है, कहती है अच्छा चलो गेम खेलते हैं। गेम स्टार्ट होता है, म्यूज़िक वाला राउंड स्टार्ट हो जाता है, और एक एक करके हर जगह रुकती है, म्यूज़िक रुकता है तो बॉटल आके एक एक के गोद में रुकती है, तो सब एक एक करके कोई नाचता है कोई गाता है। तो नाच गाने की आवाज़ सुन के उधर से रूही भी आने लगती है, कहती है यार इधर कुछ गेम चल रहा है शायद, चलो देखते हैं कि क्या बात है। कहते हैं कि हाँ चलो देखते हैं, कुछ तो चल ही रहा होगा। तो वो जाती है और बैठते हैं वो जाने लगती है, तो गेम स्टार्ट हो जाता है दोबारा। वो उधर से आ रही होती है और युविका की टर्न आ जाती है, म्यूज़िक युविका के पास आके रुकता है बिल्कुल। तो सब युविका से कहते हैं भाई नाचो नाचो नाचो, तो युविका कहते हैं नहीं मैं डांस वांस तो नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। सब कहते हैं ये थोड़ी होता है, चॉइस थोड़ी ना है, गेम हारी हो तो जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस थोड़ी ना है। तो सब कहते हैं अच्छा सॉन्ग तो गा दो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है यार गा दो। तो वो कहती है नहीं मैं नहीं गा रही। तो कहते हैं गा दो। तो ऋचा धीरे से कहती है अरे अब तो गा दो, तुम्हारे दिल की रानी बाहर होगी मल्लिका, हाँ सामने से आ रही है, गा दो कुछ। तो रूही उधर से आती है और कहती है क्या हो रहा है? तो सब कहते हैं कि हम लोग गेम खेल रहे हैं। तो कहती है कौन सा? तो बताते हैं। तो कहती है यार मुझे भी खेलना है। तो कहते हैं अभी युविका की टर्न है, वो हार गई है तो अभी उसको पनिशमेंट मिली है गाना गाने की, उसके बाद तुम खेलना। तो ये रूही कहती है ओह सीरियसली इनको पनिशमेंट मिली है गाना गाने की? कि हाँ। कहती है अच्छा चलो फिर तो हम भी सुनेंगे। तो युविका थोड़ी देर तो शांत रहती है, सब उसे बोलते रहते हैं गा दो गा दो गा दो। तो फिर वो कहती है कि कहती गाना पड़ेगा? कि हाँ गाना पड़ेगा। तो कहती है कि ना कचरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम कितनी सुंदर हो। ना कचरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम कितनी सुंदर हो। श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, तू ताज की फूलों की क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार ना कजरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम कितनी सुंदर हो। और तिरछी नज़र से रूही को देख रही होती है, और रूही तो सारी दुनिया को इग्नोर करके अवॉइड करके कि कोई देखेगा क्या सोचेगा, सबको गोली मार के कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ युविका को देखे जा रही होती है। तो ऋचा वहाँ कहती है अरे वाह क्या गाना है, ऐसे बीच में कट करके। तो युविका चुप हो जाती है और रूही की तरफ देखती है, तो रूही के फेस पे प्यारी सी बड़ी सी स्माइल होती है।
तो ऋचा कहती अरे वो लास्ट वाला गाना वो बहुत प्यारा है यार, गाना प्लीज़ 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 प्लीज़। तो युविका कहती नहीं बस बहुत हो गया, कहती यार गा देना। अच्छा सोच ना तू, किसी को अपने दिमाग में सोच, कोई तो होगा ना जिसके लिए वो लाइन जचती हो, उसे सोच के गा दे। तो युविका की नज़र फिर से रूही की नज़रों से टकराती है और युविका कहती है कि तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होठ है मधुशाला, तू रूप की है ज्योती, तेरे होठ है मधुशाला, तू रूप की है ज्योति, तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार, ना कचरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मतलब माहौल सा बन जाता है वहाँ पे और रूही की तो नज़रें युविका से नहीं हट रही होती हैं और जो चोरी चोरी नज़रें बार बार युविका की रूही पे पड़ रही होती हैं तो रूही के होठों पे एक और प्यारी स्माइल आ जाती है। तो अब आगे क्या होगा ये हम कल सुनेंगे, सब कुछ आज ही थोड़ी ना सुना दूंगी। सो बाय बाय, टेक केयर।